हूँ आप अगले मार्च का महीना बच्चे नूं बदायगी विदा करिए क्योंकि दस महीनों भोग तो दस दिन के पै जाता पर अपना तो दस महीनों के भी नहीं पिया हले तक क्योंकि ना तो संगत दे मन दे विच कोई वोट पिया ना ही कोई अपने वालों कोई जस्टिस की गल उदों पूरी हुई सारिया गल्लां आत विचाले लटकदियां होण करके आपां सारे शशोपंज दे विच आ। सो समय समय दे नाल आपां सोच समझ के फैसले करांगे अगले क्योंकि तुहाडी एनर्जी नूं मैं भी नहीं वेस्ट करनी चाहुंदा वी बिना गल तों एवें मैं सड़कां ते बन्नी फिरां पर आपां करांगे कुछ ढंग नाल करांगे वी तुहानूं इन्ना हराश भी ना करां और आपां जिहड़ा अपना मकसद है उहदे वल भी पूरे वधीए आपां दबाव बना के रखांगे पूरा जो बनिया भी है और मेरी बदौलत नहीं है मैं कुछ भी नहीं हाँ ये थोड़ी बदौलत है जिहड़ा थोड़ा संगत का गुस्सा है थोड़ी जिहड़ी लगातार उत्सुकता बनी हुई है इस केस नूं लेके शायद सरकारां ये गल सोचदियां सी वी इह समें दे आउण दे नाल बीतण दे नाल सब कुछ भुल जाऊ पर ये भुलण वालियां गल्लां नहीं ज्यों ज्यों दिन बीतदा जख्म गहरे हुंदे जांदे आ ये तो उही समझ सकदा है जी ते बीती है जां तुसीं समझ सकदे हो जिन्हां दे मन दे विच दर्द है। इन्नी गर्मी दे विच भी तुसीं इक आउंदे हो समां कहिंदा कढ़दे हो मेरा सिर झुकदा तुहाडे कर्मां दे दास दी इन्नी हिम्मत है ही नहीं सी भी मैं इत्थों तक पहुँच जांदा पर थोड़े वालों मिलिया पिया मैं जिथे किते भी जाना जिहड़ी छोटी जनरेशन है जिदा वो बच्चा खड़ा है इन्हां दे उत्ते मैं सिद्धू का प्रभाव हूब हूब नोट करदा बच्चे पग्गां बन बन के मेरे सामने आउंदे है आशीर्वाद लैंदे है मैं केस भी रखूँगा मैं पग बन्न लग गया तो मैनू लगता पुत की कमाई थोड़ा बहुता रंगता विखा रही है ठीक है शरीरक तौर पर वो जी वी घाट है उन्होंने तो पूरा नहीं कर सकते पर जिदा बच्चे ने लिखा है सिद्धू लहर नहीं सी गायक नहीं सी सिद्धू एक दौर सी जो चलिया बखूबी चलिया हर एक मन के उत्ते ने असर भी किया हर घर की दिली उन्हें क्रॉस की हरेक बच्चे के मन के उत्ते छाप छी अपनी तो जो ये लिखा बच्चे ने ये लिखे हुए शब्द नहीं है ये बोले हुए ने शायद मैं जिस दिन थोड़े रूबरू होऊंगा बरसी के उत्ते तो मैं थोनों यदि आवाज़ सुनाऊँगा उतो क्योंकि बच्चे का एक आखिरी स्नेह है जो यदा लिखा हुआ थोड़े सामने पढ़ सकते हो तो ये अपनी आवाज़ के बोलिया हुआ रिकॉर्ड किया हुआ क्लीयर कट लिखे कोई खास एम नहीं जिंदगी का मैं टारगेट आबादी का अज मरदा भावें कल मर जा मैं खौफ नहीं बर्बादी का वो जिस रस्ते चलिया हुआ सी बड़ी बेबाकी के नाल चलिया सी जे वो डर पाल के चलता तो शायद तुसीं इन्ने लोग नहीं आउंदे सी उहदा एक अपना स्टाइल सी जो उन्हें पल्ले बन्निया कई बारी मैं बाप होने नाते समझाने की कोशिश उन्होंने करता सी पुत ऐ नहीं ऐ चली रहा हुंदा ऐ नहीं ऐ चली रहा हुंदा कई बारी जदों अपने ते अंबुश लगता है आपां पता नहीं लगता गोली किहड़े पासे होंदी है तो मैनूं इक्को गल कहिंदा सी कहिंदा बापू मेरा स्टाइल भी जिहड़ा मैं लोगों अगे पेश किया है मैं भी उहतों टस तों मस नहीं हो सकता तुसीं जिद्दे मेरे ते फायरिंग होऊगी जां जिस दिन ये टाइम आऊगा मैं भी आपदे सुभाअ दे विच तब्दीली नहीं करूंगा और उन्हें करीब नहीं बेशक वो अट सी वड्डे असले नाल लै सी पर उहदे कोले जो सी जिन्ने साधन सी जद तक उहनूं होश रही तद तक उहनें फायर करदा रहा कोई उन्हें हाए बू नहीं कही किसी अगे मरन तो पहला हाथ नहीं बन्ने भी मैनू छड़ दो या मैनू गलती कर दो मैं तुहाडी काली गऊआं नहीं हुंदा आम तौर पर अगला मौत पैरों सामने खड़ी देख के ना डोलदे इस गल पर उन्हें पता लग गया सी जदों ते फैर आ गया उन्हें पता लग गया भी हुण मौत आ गई है गल ना लाउणी पैणी है तो उन्हें उस सूरमे वांगू ही उस गल का सामना किया 32-35 गोलियां छाती दे झलणियां कोई खाला जी दा बड़ा नहीं पर वो जो कहिंदा सी वो कहिंदा मैं स्टेज पर चढ़दा मैं थापी मार के चढ़दा मैं लोगों जिस तरह की मेरी इमेज बनी है मैनू कल
लोग ये ना कहन भी जान लगे डर गया सी। तुसीं सुनिया होगा सदाम हुसैन जो तो फांसी होने लगी ना, वो बार बार कहना सी मेरा कोर्ट दो कितने है। बड़े लोगों ने सवाल भी किए भी तुसीं कोर्ट क्यों मंग रहे हो बारी बारी। वो कहता मैं एक कौम का लीडर हाँ, मेरी कौम मैं जान लगे ये ना कहे भी मैनू ठंड लग रही है थोड़ी जी, भी मैं शरीर बुजुर्ग हाँ, शरीर कंब जे, मैसेज ये ना जाए फांसी वाले भी कौम का लीडर है लत्तां कंबियां नहीं, भी मैनू पाला ना लगे फांसी देनी है। बेशक उन्हें नंगे मूँह बड़ी दलेरी नाल फांसी ली सी। सो जिहड़े बंदे किसी भी समूह नूं लीड करते हैं फिर उन्होंने कुरबानी तो देनी पैंदी है, परिवार को भी देनी पैंदी है नाल। तो हालात तुहाडे सामने है, तुसीं मेरे नाल खड़े हो, तुहाडा लख लख शुकराना। मैं बल मेरे को शब्द नहीं, मैं तुहाडा किवें धन्नवाद करां क्योंकि ना तो मैं लीडर हाँ, लोग साडियां इन्हां चीज़ां नूं भी कोई पॉलिटिक्स नाल जोड़दा जो कुछ भी करदा। हाँ मैं थोड़े नाल वादा करना भी पॉलिटिक्स तां की जे मैनूं मंगता भी बनना पवे भीख मंगण लई मैं वह भी मंग सकदा, पर मैनूं जस्टिस मिलना चाहिए। जिस रस्ते भी तोरनगे मैं हर एक नूं मिलिया। मैं अमित शाह जी के चरणों भी मत्था टेक के आया भी मेरी सुनो, पर किसी ने नहीं सुनी। मैं राहुल जी को जाके आया, वो विपक्ष का नेता बेचारा कर ही सकता है, पर उन्हें जो भी संभव है मैनूं भरोसा दिता है। तुसीं अगली की इनवेस्टिगेशन चाहते हो जां इस तों अगे तुहाडा की मन है मैनूं दसो, मैं तुहाडे नाल तुरूंगा। चलो वो तो आश्वासन नहीं दे सकता उन्हें दिता, इस तों बाद भी कई संपर्क करते हैं, जो भी मिलूगा मैं हर एक नूं मिलूंगा। पर कुछ पल्ले पाउंदे आ कि नहीं पाउंदे आ, पर मैं भरोसों पर विश्वास करने वाला नहीं है। जे तो मेरे सामने कोई गल होगी जस्टिस की ता ही मनूंगा, इन्ना क भरोसा रखियो। तुहाडा सारयां दे इत्थे पहुंचण ते मैं तहे दिलों धन्नवाद करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।